Hello students, welcome to the session. I am Rakhi और next 3 videos में हम discuss करने वाले हैं soaps and detergents के बारे में. Lecture begin करने से पहले मैं आपको बता दूं, exam point of view से ये बहुत ज़्यादा important topic है. Every year you will find at least one question from this topic. और कभी-कभी जैसे 2014, 16, 17 में तो तीन क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं. इन तीन लेक्चर्स को आप देख लेते हैं तो अब तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट्स पे, आई एम श्योर यू वुड बी एबल टू आंसर दोस क्वेश्चंस. दैट्स माय गारंटी. तो चलिए शुरू करते हैं सोप्स की डेफिनेशन से. सोप्स आर नथिंग बट सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स. पहले देखते हैं ये लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते क्या हैं. यहां पर कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, जैसे पामिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, ऑलिक एसिड, लिनोलिक एसिड. तो ये देखिए, कार्बन्स की बनी हुई लंबी सी एक चेन है जिसके दूसरे एंड पर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH जुड़ा हुआ है. 15 कार्बन की चेन पर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दें तो पामिटिक एसिड मिल गया. 17 कार्बन की चेन हो तो वो हम स्टेरिक एसिड कह देंगे. इनको याद करने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ आप समझ लीजिए. अब इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के हाइड्रोजन को सोडियम से रिप्लेस कर दें तो आपको सोप का मॉलिक्यूल मिल जाएगा. तो ये बन गया सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड. सोडियम सॉल्ट बनाने के लिए बेसिकली हम लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड की सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा देते हैं जिससे सोप प्रोड्यूस होता है. सोप बनाने की इस प्रोसेस को हम सेपोनिफिकेशन कहते हैं, जिसे हम अगले स्लाइड में समझेंगे. सेपोनिफिकेशन के दौरान हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराते हैं एनिमल्स से मिलने वाले फैट्स या वेजिटेबल ऑयल से. एनिमल फैट्स या वेजिटेबल ऑयल में एस्टर पाए जाते हैं, जैसे यहां पर आपको दिख रहा होगा ग्लिसरल ट्राई पामिटेट. पामिटिक एसिड के तीन मॉलिक्यूल यहां CH2 के साथ अटैच हैं. ये एक तरह का एस्टर है. इसकी NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो हमको मिलेंगे सोप मॉलिक्यूल और बाय प्रोडक्ट के तौर पर हमको ग्लिसरॉल मिलता है. इसको वापस से समझते हैं. एनिमल फैट्स या वेजिटेबल ऑयल की रिएक्शन बेस से कराने पर फैट्स या ऑयल का हाइड्रोलिसिस हो जाता है और हमें मिलता है सोप और ग्लिसरॉल का सॉल्यूशन. जब इस सॉल्यूशन को थोड़ा और गर्म करते हैं तो सोप प्रेसिपिटेट होकर ग्लिसरॉल से अलग होने लगता है. इसमें कुछ अमाउंट में अगर कॉमन सॉल्ट मिला दें, यानी कि NaCl, तो सोप कंप्लीटली प्रेसिपिटेट हो जाता है और हमें ग्लिसरॉल अलग से मिल जाता है. सेपोनिफिकेशन पर मोस्ट कॉमन 4 कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. फर्स्ट, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी जिस एपरेटस या टेस्ट ट्यूब में ये रिएक्शन हो रही है उसकी दीवारें गर्म होने लग जाएंगी. सेकंड, सोप बनाते समय NaCl क्यों डाला जाता है? आंसर, सोप का कंप्लीट प्रेसिपिटेशन, यानी जो सोप डिसॉल्व स्टेट में है, घुला हुआ है, वो अलग हो जाए प्रेसिपिटेट बनकर. थर्ड, सेपोनिफिकेशन प्रोसेस में जो रिएक्शन मिक्सचर होता है वो एसिडिक होता है या एल्कलाइन होता है? आंसर, वो रिएक्शन मिक्सचर एल्कलाइन होता है, क्योंकि जब उस रिएक्शन मिक्सचर में हम रेड लिटमस पेपर को डिप करते हैं, वो रेड लिटमस पेपर ब्लू लिटमस पेपर में टर्न हो जाता है. इसका मतलब वो एल्कलाइन नेचर का है. फोर्थ,
ग्लिसरॉल का यूज कहाँ होता है? ग्लिसरॉल का यूज कॉस्मेटिक्स में, एक्सप्लोजिव्स में या ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग में होता है। याद रखने के लिए आप सोचिए, गर्ल्स ग्लिसरॉल यूज करने से एक्सप्लोजिव लगती हैं और बॉयज उनके एडिक्टेड हो जाते हैं। आई होप ये आपको याद रहेगा। सो दिस वॉज ऑल फॉर नाउ। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फॉर रेगुलर अपडेट्स यू मे ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टा, फेसबुक एंड ट्विटर। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।